दोस्तों, मेलाज्मा पिगमेंटेशन या फिर झाइया, ये एक कॉमन स्किन प्रॉब्लम है जो कि किसी को भी हो सकती है। और इससे छुटकारा पाने के लिए लोग तरह तरह की क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं या फिर इन्हें छुपाने के लिए कई तरह के मेकअप इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इसे ठीक करने के लिए आपको क्रीम्स की ज़रूरत नहीं है, कुछ आपकी डाइट या फिर आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप न्यूट्रिशन 99 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ऐसी वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं पिगमेंटेशन या फिर मेलाज्मा की। तो स्किन में ऐसे काले काले धब्बे हो जाते हैं जो कि देखने में अच्छे नहीं लगते। कुछ महिलाओं को ये प्रेगनेंसी के बाद हो जाता है या फिर ज़्यादातर धूप की वजह से भी देखने को मिलते हैं। पुरुषों को में भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप फिज़िकल एक्टिविटी करना शुरू करें। जो लोग ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, जिम नहीं जाते या फिर योगा वगैरह नहीं करते, उन लोगों को ये चीज़ें करनी चाहिए। आप रनिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे कि आपकी ओवरऑल बॉडी एक्टिव रहे, जिससे कि आपकी स्किन में पसीना आएगा, पोर्स ओपन होंगे और स्किन हेल्दी रहेगी। इससे आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। अगला है डाइट। दोस्तों, बहुत से लोग हैं जिनकी डाइट अच्छी नहीं है। आजकल बाहर का खान पान की वजह से डाइट बहुत बेकार हो रही है। तो अपनी डाइट ध्यान दें, रेगुलर फ्रूट्स या फिर सलाद को अपनी डाइट में ऐड करें और प्रोटीन रिच फूड खाने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि घर का ही खाना खाएं। रोज़ ग्रीन सैलड तो ज़रूर खाएं, ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। नेचुरल विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट आपको देता है जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगला है विटामिन और मिनरल। दोस्तों, स्किन के लिए विटामिन और मिनरल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, खास करके विटामिन सी और ई की। ये विटामिन एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, स्ट्रेस को कम करते हैं और को हेल्दी रखने का काम करते हैं। तो अगर आपके बॉडी में विटामिन सी या विटामिन ई की कमी है तो स्किन पे कई तरह की प्रॉब्लम दिखने लगती हैं। तो ये आप नेचुरल डाइट से भी पूरा कर सकते हैं या फिर आप किसी अच्छे मल्टीविटामिन का भी सेवन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैंने अच्छे मल्टीविटामिन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से बाय कर सकते हैं। अगला है पानी। ऐसे बहुत से लोग मैंने देखे हैं जिनका पानी या फिर वाटर इंटेक बहुत कम है। जो पानी है, यह पानी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। बॉडी को डिटॉक्स भी करता है और स्किन के लिए भी हेल्दी रहता है। तो पानी ज़रूर पिएं, कम से कम 3 से 4 लीटर डेली पानी ज़रूर पिएं। पानी पीने से आपकी स्किन भी हेल्दी रहती है और बॉडी भी डिटॉक्स होती रहती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, यह एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये ओवरऑल बॉडी के लिए हेल्दी है, स्किन को हेल्दी रखता है, हाइड्रेट रखता है, बालों के लिए फ़ायदेमंद है, हार्ट के लिए फ़ायदेमंद है, और भी कई फ़ायदे आपको मिलते हैं। आप इसका सप्लीमेंट भी ले सकते हैं या फिर ओमेगा 3 रिच फूड भी खा सकते हैं, जैसे कि अखरोट खा सकते हैं, सैल्मन फिश का सेवन कर सकते हैं। तो अगर आप ये चीज़ें डाइट में नहीं ऐड कर सकते तो सप्लीमेंट का भी सहारा ले सकते हैं। अगला जो टिप है वो है कि हैप्पी रहें, खुश रहें। ऐसे बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो कि ऊपर वाली सभी चीज़ें करते हैं फिर भी उनकी मेलाज्मा या पिगमेंटेशन नहीं जाती। वो इस वजह से क्योंकि वो स्ट्रेस में रहते हैं। अगर ऑफिस वगैरह जाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं या फिर हैप्पी नहीं रहते, उनके हैप्पी हार्मोन एक्टिव नहीं रहते। तो इसके लिए आप कॉमेडी मूवीज़ देख सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ चिट चैट कर सकते हैं या फिर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। अपने मन का स्ट्रेस कम करें और हैप्पी रहने की कोशिश करें। और लास्ट है कि कॉस्मेटिक से अपनी स्किन को बचाएं, बिना बात के कॉस्मेटिक का इस्तेमाल ना करें और हो सके तो होम्योपैथी मेडिसिन का भी सेवन कर सकते हैं। तो ये सारी टिप्स आप इस्तेमाल करके देखें। अगर आप मेलाज्मा या फिर झाइयों से परेशान हैं तो आपको इससे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।